हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते तो हैं लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से जाके मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बासानी पहुंचती। मैं बनाने लगी हूँ अरमान के लिए मीठे स्लाइस, जो मीठे वाले टोस्ट होते हैं ना, चीनी वाले, वो बनाने लगी हूँ। और मुझे फिर दौरा पड़ गया डाइटिंग का, तो आज से मैंने दोबारा से डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। सुबह उठ के मैंने कॉफी पी, ब्लैक कॉफी, उसके बाद मैंने अंडे उबाल के खाए, फिर मैंने सेब खाया। बस अब ना 7-8 दिन में डाइटिंग करूंगी थोड़ी सी, फिर छोड़ दूंगी। मतलब महीने में एक दफा मैं इस तरह का कुछ कर लेती हूँ, मेरा वेट मेंटेन हो जाता है। बस नाश्ता कर लें, नाश्ते के बाद थोड़े से जो काम है घर के वो कर लें। आपने ये मंगवाया था अपने लिए? छोटे बच्चे सुबह सुबह चीजें खाते हैं ना अरमान, छोटे से बच्चे हैं। मैंने कहा था वैसे तो लेके नहीं आया। क्या बंटी मंगवाई थी? दिल कर रहा था मीठा खाने का। मैं बना तो रही हूँ मीठे स्लाइस, अब वही खाओ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। दिखाओ। वाओ, इतना प्यारा शूज। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को वो ड्रेसेस दिखाऊंगी जो मैंने खुद डिजाइन किए, तो मुझे याद ही नहीं रहता, खुद ही बात करके खुद ही भूल जाती। और आप लोगों को पता है मैं गई थी डॉक्टर के पास, डेंटल के पास। मुझे लग रहा है कि लग रहा नहीं है, ये वाला जो दांत है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा ऊंचा है, इतना कोई मसला तो नहीं है। मुझे सारे कह रहे हैं कि तुम्हें वखरा शौक चढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, अच्छा लगता है, सूट करता है, चेंज करवाओगे तो चेहरे की लुक बदल जाएगी। लेकिन मुझे चढ़ा हुआ शौक, मुझे इसको सीधा करवाना है। Yes? ये देखो क्या बनाया है। ये क्या? ये मैंने बनाया खुद ही। क्या है ये? ओ, ये तो आयरा ने बनाया है। बास्केट बनाया। बास्केट क्लैपिंग। सैटरडे को जाना है मैंने डॉक्टर के पास, और उसके बाद मेरे दांतों में ना तारे लग जाएंगे। पता नहीं कैसा लगेगा, मुंह बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा, और पता नहीं क्या इरिटेशन की होगी मुंह के अंदर। शुरू शुरू में काफी होती है, बाद में ठीक हो जाता है। एक आदत होती है काफी महीने बाद जाके आदत बनती है। कैमरे से छुपने के लिए ना दुपट्टा लेके फिर रही है घर में। आत्मा आती हो कहीं ना कहीं से, आत्मा लग रही है। ओ, ये तो चिची बनाई है छोटी सी। वाओ, और बना के लो। ये देखो मैं बन गया। ओ वाओ, अरे डॉगी बनाओ जाके। अच्छा उधर मुँह करो, इतनी प्यारी चिट्टी है मेरी बेटी। उधर मुँह करो, उधर मुँह, उधर मुँह, आये हाय, उधर तो करो। आयरा के भी मैं बाल लंबे कर रही हूँ, लंबे क्या कर रही हूँ, खुद ही लंबे हो ही जा रहे। इधर आओ, मेरी बात सुनो, आपको लंबे बाल अच्छे लगते हैं कि छोटे? वो क्या वो आयरा की तो किसी ने कटिंग नहीं की, आयरा गंजी नहीं होगी। अच्छा, जब आप मुन्नी थी तब आपकी कटिंग की थी अरमान, इसकी बचपन में उसकी टिंट की थी ना इसने, वो कल परसों पिक्चर देखी है, कह रही आयरा की टिंट की थी, आयरा गंजी हो गई। इतनी बड़ी बड़ी लग रही है, देखो जरा अरमान। उफ अल्लाह, अब तो बहुत क्यूट लग रही हो। मैं आई थी जी बाहर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने, और कुछ ग्रोसरी की चीजें लेनी थी, मैंने वो ली हैं, और उसके बाद मुझे नजर आ गया सैलून। अब मैं आ गई हूँ सैलून, यहाँ से इस तरह के जो नेल्स है ना यही मैं करवाने लगी हूँ अपने पाँव। बस काम चल रहा होता है तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे नेल्स हुए। बस आजकल ना मुझे बहुत शौक चढ़ा हुआ है नेल्स का, लेकिन मैंने करवाए बिल्कुल इस तरह के हैं जो नेचुरल से लगे, और जो मेरे अपने नाखून हैं वो इतने नाजुक हैं, जब भी मैं बड़े करती हूँ कहीं ना कहीं कट लगता है, टक लगता है, और मेरे नाखून टूट जाते हैं। तो बस अब मैंने ये सोचा है कि मैं अब इसी तरह के नेल्स रखा करूँगी। बड़ी बन रही है दोनों की है, ये क्या सो गई है? आयरा सो गई है, चलो हम चलते हैं। आयरा एक्टिंग कर रही है। आयरा कप ले लो। आयरा की मूछों का क्या करें आप लोग? आयरा की मूछों के लिए ना हम लोगों ने एक चीज मंगवाई है, मैंने एक चीज ऑर्डर की है, ये मैं आप लोग को यार डिटेल में बताऊंगी। ये ना लेजर मशीन है चेहरे के लिए, मतलब फुल बॉडी लेजर है, ठीक है। मैंने कहा क्या मैं बार बार जाके करवाऊंगी, मैंने इसे ऑर्डर ही कर लिया। ये मैंने आपके लिए मंगवाई है, इससे मैं आपकी मूछों उतारूंगी, ठीक है। है नहीं बेचारी की इतनी मूछे, तो सबकी होती है, आप इसके पीछे ही पड़ गए, मूछे हैं मूछे हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ पापा की मूछें उतारेंगे इसके साथ, ठीक है। आपके हम अगर दाढ़ी पे लेजर करें आपकी सारी जिंदगी के लिए दाढ़ी मुझे चली जाएंगी। गर्मी लग रही है, एसी चल रहा है, गर्मी भी लग रही है। अच्छा उसका पता है क्या सीन है, पंखा बंद होगा तो चाहे कमरा ठंडा हो, कहती है गर्मी लग रही है। अच्छा यार मैंने ना बार बार चक्कर बचाने के लिए ना इसका ऑर्डर किया है, और ये बड़ी अच्छी मशीन है। इसको खोल के इसकी अनबॉक्सिंग मैंने अभी नहीं की, आई थी तो ये देखें अभी तक टेप भी लगी हुई है। इसको मैंने रख दिया था ऑफिस में, इसको अब खोलेंगे, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर मैं आप लोग को खोल के इसको यूज करके दिखाऊंगी, इसकी जो भी इसका रिजल्ट होगा सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये मैंने मंगवाई बहुत अच्छी वाली है, ताकि ना स्किन का मामला है, स्किन पे कोई इफेक्ट ना हो, और ये मैंने मंगवाई है वन ब्यूटी की। कहाँ है सारे लोग? सारे लोग ऊपर चले गए हैं, उधर कोई भी नहीं है, इधर आ जाओ।
The next day. अच्छा मैंने ब्रेसेस लगवा ली हैं जो कि मैंने कहा था कि मैंने लगवाने हैं तो मैंने लगवा ली हैं। थोड़ी थोड़ी सी पेन हो रही है दांतों में जिसकी वजह से ज्यादा बोला नहीं जाएगा मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी मैं चुप चुप ना रहूं। लगवाने के बाद मेरा फेस बिल्कुल ही बदल गया, जो मेरा ऊपर वाला होंठ ही ऊपर ही रह गया बस, ये नीचे आता ही नहीं, इसको जबरदस्ती यूं करके नीचे लेके आना पड़ता। आजकल जहां देखो 16 प्रो मैक्स हुआ है, ठीक है। तो अरमान ने मुझे कहा था कि बस दो दिन वेट करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो मैं इतनी बच्ची तो होनी, मुझे समझ आ गई थी कि क्या सरप्राइज है, 16 प्रो मैक्स का ही सरप्राइज है। दो दिन गुजर चुके हैं लेकिन अरमान खामोश है, मुझे उस खामोशी के पीछे वजह नहीं समझ आ रही। क्या वजह इस खामोशी के पीछे? दो दिन मैंने कह तो दिया था लेकिन वो दो दिन की गेम है नहीं। प्री बुकिंग पे भी वो 15 तारीख को दे रहे हैं, 15 अक्टूबर को, क्योंकि मेरा ख्याल है हर दूसरा यूट्यूबर भी रो रहा है, कोई दुबई जा रहे हैं लेने के लिए। तो दो दिन तो नहीं, दो महीने लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है। तो देखते हैं जैसे ही हमें मिल गया, जब भी मिल गया, क्योंकि मेरी ऐसी कोई दौड़ है नहीं कि मैं दुबई जाऊँ वहां से लेकर आऊँ, ऐसी दौड़ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं बड़ी होगी इसलिए मुझे सब्र करना आ गया, वरना अगर मुझे कोई चीज कह दी जाए कि ये तुम्हें मिलनी है और उसके बाद वो चीज मुझे ना मिले तो मुझे टेंशन पड़ जाती है कि मुझे कहा था मुझे लेके नहीं दी। तो अब आईफोन का तो मुझे पता है सीन कि वो मिल ही नहीं रहा, जब वो मिलेगा तब मेरे पास आ जाएगा, लेकिन दिल था कि यार आ जाए, न्यू आया है आ जाए। पता नहीं क्या दौरा है, जब भी ये न्यू आता है ये होता है कि बस यार ये आ जाए हाथ में, पता नहीं क्या चीज है, इसको एक दफा देख लें। अभी हम जा रहे हैं आयरा के लिए कुछ लेने के लिए। अच्छा आयरा का ना एक जो तीती है वो चूहा ले गया, ठीक है। तो आयरा थोड़ी सी अपसेट हुई है कि मेरा तीती जो है वो चूहा ले गया, तो उसको हमने ना मूड चेंज करने के लिए उसको हमने ये कहा है कि आयरा आपका हर तीती जो चूहा लेके जाएगा उसके बदले में आपको एक अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा। तो ये सुन के ना उसको थोड़ा सा हौसला हुआ और जो उसको वो दुख था ना वो थोड़ा सा कम हुआ। इसलिए आज हम उसके लिए कुछ ऐसा लेने जा रहे हैं जो ये समझ ले कि ये उसके इस्तेमाल वाली चीज तो नहीं होगी लेकिन उसको देख के बहुत खुश हो जाएगी और उसका घूमना फिरना उसी चीज पर ही होगा। तो हम इस सेंस में उसके लिए लेने जा रहे हैं, खुद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, देखेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा वो क्या है। अच्छा जी ये है वो शोरूम जहाँ पे इतने मजे मजे की स्कूटीज है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये है और सबसे ज्यादा मुझे प्यारी लग रही है ना, लेकिन वो मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से बहुत छोटी है। ये देखिए ये वाली तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है लेकिन ये बहुत छोटी है। अच्छा ये वाली जो है ये कितने साल के बच्चे के लिए? ये मैक्सिमम 15-16 बच्चे के लिए, मतलब बड़ा बंदा इसको नहीं चला सकता उसके हिसाब से, छोटी भी चला सकते हैं लेकिन ये होगा कि पैडल से तो नहीं कर सकते लेकिन वैसे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा मतलब बल्की हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं। अच्छा कलर्स मुझे ये वाले कलर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं इस तरह का कोई कलर लूं, लेकिन फिर मेरे साथ वही मसला है जब भी मैं कोई फंकी कलर ले लेती हूँ फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार डिसेंट कलर में जाना चाहिए था, तो फाइनल मेरा ख्याल है हमें ब्लैक कलर लेना चाहिए। अच्छा अब ये ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, अब इन दोनों में से डिसाइड करते हैं। अच्छा ये जो दो हैं जो ब्लैक वाली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इसमें से कोई एक लेंगे, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। पहले इसकी जो अमाउंट थी वो 240K तक की थी, ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने 10,000 ज्यादा कर दिया। रेंज के हिसाब से अगर बात करें तो इसकी रेंज इससे थोड़ी सी ज्यादा बताई जाती है, कार्बन स्टील हैवी ड्यूटी और 3 यूनिट आपके जो फुल चार्ज पे है ना बिजली के, 3 यूनिट जो है वो कंज्यूम करती है फुल चार्जिंग पे, और इसकी फुल चार्जिंग होती है जहाँ तक मैंने सुना है 7-8 घंटे। स्कूटी में सबसे मजे की चीज ये है क्योंकि ज्यादा इसको मैंने ही चलाना है, मतलब मेरे लिए ही है आयरा को लेके कहीं बाहर जाना। अच्छा ये जो सीन है यहाँ पर मैं फोन रख लूंगी, ग्लास रख लूंगी, कोई भी चीज रखी जा सकती है। तो मैं जब आयरा को लेके बाहर जाती हूँ ना तो मुझे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, छोटी छोटी चीजें, कुछ मैं पर्स में रख रही हूँ, कोई बॉटल है वो हाथ में पकड़ रही हूँ, तब सब कुछ जो है इसके अंदर आ जाएगा। इसकी स्पेस बाकी जितनी है कम लग रही है, उतनी ही है, इसमें एक ही हेलमेट आ सकता है। अच्छा ले तो रही हो, चलानी आती भी है, पहली बार रोड पे जाना तुमने, इसलिए तो कह रही हूँ हेलमेट मुझे लेके दो, मैं पहन के निकलूंगी। हेलमेट तो मैं तुम्हें ले दूंगा, बड़ा मजा आएगा तुम्हारी ट्रेनिंग करवाने में ना। ऐसे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या लें, कलर में बड़ा इशू आ रहा है, कलर फाइनल होता है तो फिर हम बताते हैं। अब हम दो कलर्स पे आए हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन, अभी बस खड़े हुए हम सोच रहे हैं कौन सा लें कौन सा ना लें। ये मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे कि पैसे मिले हैं। अच्छा ये आपने किस चीज की चाबी पकड़ी हुई है, बताओ बताओ कौन सी चाबी है? नहीं किस चीज की चाबी है ये? ये आयरा की बूम बूम की चाबी है। आयरा की मोटरसाइकिल आ रही है जी, आपने तो फिर मैं आप फिर बढ़ूंगी। ये बात सुनो, इधर आपको पता आपके जितने तीती टूटेंगे उतनी चीजें मिलेंगी आपको। ये आयरा के तीती के बदले आयरा को बस आ रही है थोड़ी देर में, जब आती है तो आयरा को और गिफ्ट देते हैं। अभी रास्ते में गई मामा, चले तैयार हो जाओ कहीं बाहर चलते हैं। आपको पता है कि बूम बूम कौन से कलर की है? कौन से कलर की है? ब्लैक। और ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की है, अभी आने वाली है, अभी रास्ते में।
बूम बूम किसके नाम करवानी है? आपके नाम के, आयरा के नाम के, मेरे नाम? आयरा के नाम कर, आयरा के नाम करवा देते हैं। वही दीदी कपड़े नहीं, ऐसे फाड़ते नहीं, फाड़ते नहीं, फाड़ते नहीं, ऐसे पकड़ लो, फाड़ते नहीं, पकड़ लो। लगता है बूम बूम आ गई है। लाइट खोल देते हैं जरा, आयरा को सही तरह नजर रखनी है। आयरा, आप मुझे भी बिठाओगी अपने बूम बूम पे? पक्का? प्रॉमिस? अब अपने बूम बूम पे, अपने नहीं, एक बूम बूम है उस पे बिठाओगी हमें? आगे कौन बैठेगा? आयरा, पीछे पापा, पीछे मैं। ओके, बूम जाएगा, हम झूले लेंगे वहां। यस, इसका वाह 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 से मतलब था। आप बाहर आ जाए। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग मेरी बेटी को देखते हैं इतनी तारीफें करते हैं इसकी, तो साथ माशाल्लाह भी जरूर बोल दिया। बहुत आगे 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 हमारी बूम बूम, आजा मेरी गोदी में, आजा। अम्मी आगे देखो ना, आगे देखो। हाँ जी, आजा भी आजा, इसके अंदर अभी निकलेगी और आयरस ऐड करने जाएगी। यहाँ पे बैठो, ये देखो आजा बेटी, और ये रिबन काटो। चाबी मुझे पकड़ा दो अपनी चाबी, चलो रिबन काटो। बिस्मिल्लाह करके काटो, बोलो बिस्मिल्लाह। वाओ, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्लैपिंग करो काका। अरे क्लैपिंग करो, छोड़ो, बहुत बहुत मुबारक हो। क्लैपिंग क्लैपिंग करेगी आयरा। द नेक्स्ट डे, ओजा आयरा, आयरा की तो नींद ही नहीं पूरी होती। अल्लाह, बहुत थक के सोई आयरा। उठ जो, ये रात को आयरा को मच्छर ने काटा था। आयरा ने पूरे घर को बताया कि मुझे मच्छर ने काटा। आयरा उठ जो, छोटी रहती हो, जब देखो छोटी रहती हो जब ऐसी है। कल हम अपनी स्कूटी लेके आ गए थे, लेकिन रात हो गई थी, तो फिर हम उसके बाद सो गए थे। रात को तो आयरा ने अपनी स्कूटी ठीक तरह से नहीं देखी थी, और आयरा कहती थी मैंने इस पर नहीं बैठना, आपको कलर नहीं अच्छा लगा इसका। आयरा थोड़ी सी सीरियस हुई है। ये रही हमारी प्यारी सी स्कूटी। मुझे भी स्कूटी चलानी अभी नहीं आती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी रात को भी सीखी है। रात के टाइम गलियों में मैं लेके इसको घूमी हूँ, और रोज थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करूंगी तो फिर चलानी आ ही जाएगी। बस बैलेंस नहीं हो रहा, हो रहा है लेकिन इतना परफेक्ट बैलेंस नहीं हो रहा, तो मतलब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको सीख जाऊंगी। ये जी कुछ पार्सल रिसीव हुए हैं हमें, जिसमें एक लॉन्ग मिरर है और ये एक स्टूल है। इसको भी मैंने खोल के देखना है, मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन से कलर्स हैं और किस तरह के स्टूल्स हैं। आयरा को लग रही है गर्मी, आयरा को अंदर छोड़ते हैं, फिर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। रात को आयरा कुछ टॉयज लेके आई है अपने लिए, जिसमें एक ये भी है। आयरा, डी तो इसमें से मिसिंग है। डी कहाँ रखा था आपने? ऊपर पड़ा हुआ है, डी ऊपर पड़ा हुआ है। चलो इसको रखें इसी के पास, आओ उठो, खड़ी हो। इसको रख देते हैं यहाँ पर, बदलो इसको रख देते हैं यहाँ पर, और चला देते हैं एसी, ताकि आयरा आराम से यहाँ पर खेलती रहे और हम कर लें अपनी अनबॉक्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है आयरा यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज करने लगी। मजा आ रहा है। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इधर आओ। आज ना आयरा ने और आयरा के पापा ने लेने जाना है आयरा के दादा अबू को। अरमान ने अपने अबू को लेने के लिए जाना है, दोनों जाएंगे लेने के लिए। आयरा को मैं जल्दी जल्दी से बस तैयार कर दूं। अभी सो के उठी है ना, तो इसका कोई मूड नहीं अभी। रिदा आप और मैं ऐसा करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। रिदा कैंची पकड़ना, कैंची इसी में पड़ी होगी कैंची। अच्छा, ये मुझे रिसीव हुआ है होम विरसा से, होम विरसा, ठीक है। बार बार आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से ये चीज ली है, कहाँ से ली है। मैंने कहा मैं आप लोगों को सही तरह से बता दूं। अभी खोल के मैं आपके साथ ही देखूंगी कि इसके अंदर क्या है, कलर कौन से है, डिजाइन किस तरह का है, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। इस तरह के काम ना आप करके दिया करो। पैक बड़े अच्छे तरीके से हुआ, मतलब फुल सिक्योर। मुझे एकदम लगा दो दो अरमान खड़े हुए। इस तरह का फुल मिरर बड़े मजे का लगता है। जब बंदा तैयार हो ना, तो फिर फुल लुक देखने का मजा आता है। और मैं अपनी फुल लुक जो है ना देखने के लिए ऊपर आयरा के कमरे में जाती थी, क्योंकि हमारे घर में लॉन्ग वाला मिरर जो है वो उधर लगा हुआ है। तो अब इसको नीचे रख लेंगे और मैं यहाँ पर भी अपने आप को देखती रहूंगी। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है, जो कि अच्छा लग रहा है। अभी फिलहाल इसकी लोकेशन सेट नहीं की कि इसको कहाँ रखना है, बस इसको अभी यहीं पे रखते हैं। बाद में देखेंगे कि इसको कहाँ रखना चाहिए, क्योंकि अरमान आज के दिन में थोड़ा मसरूफ है और जल्दी जल्दी में है, क्योंकि अरमान ने जाना है, तो इसलिए बस इसको सामने सेट कर रहे हैं। बाद में देखेंगे कि इसकी क्या लोकेशन ठीक रहेगी। ये स्टूल कुछ इस तरह से है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा है। नीचे से अभी इसको खोल रहे हैं, और कलर भी इसका अच्छा लग रहा है, प्यारा कलर है, लाइट लाइट सा। माशाल्लाह, इधर तो देखो, इधर देखो, ये इतना प्यारा आपको आनी तैयार कर सकती है। अल्लाह जी, ब्लशन, लिपस्टिक, कितना वाला हेयर स्टाइल, बहुत प्यारी लग रही है। अब पूरे कपड़े पहनो ना, पूरे पप्पे पहनो जल्दी, पापा आपका वेट कर रहे हैं। ये अरमान के साथ ना पहली दफा लंबा सफर करने लगी है, तो आपने पापा को तंग नहीं करना, ओके, ठीक है। आइज बंद करो, आइज बंद, आइज नहीं खोलनी, अगर खोली ना तो हम आपसे कट्टी कर देंगे, ओके। अब खोलो आइज, इतना प्यारा काका।
यक्षा ने इसको तैयार किया पूरा हेयर स्टाइल बना के, लिपस्टिक लगा के, ब्लशन लगा के। आए हाय कैसी लग रही हो आप? अच्छी लग रही हो? पापा को आपने तंग नहीं करना बिल्कुल भी। ओके ये मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ है? आयरा को मिरर पसंद आया। चीनी बच्चा लग रही है, चीनी बच्चा। अच्छा इसको रास्ते से कुछ दिला देना, कोई कपकेक, जूस वगैरह, ठीक है? अभी लेते हुए निकलना ना, इसने सिर्फ दूध पिया वो भी आधा फीटर। और आयरा ने पंपी भी नहीं पहना हुआ। कह रही मैंने नहीं पहना। आप तो प्रिंसेस लग रही हो, प्रिंसेस। आयरा को मैंने आयरा की पानी की बोतल दे दी है, थोड़े से टॉयज दे दिए हैं ताकि आयरा खेलती रहे। अच्छा आयरा जा रही है, मैं थोड़ा सा छुप गई हूँ क्योंकि इसने ना मुझे देख के रोना स्टार्ट कर दिया है कि मामा कहाँ है, मामा कहाँ है। अब मैं दरवाजे में थोड़ा सा छुप गई हूँ ताकि मैं इसको नजर ना आऊँ। मुझे फिक्र भी हो रही है क्योंकि मैंने अरमान के साथ अकेले कभी इसको लंबे सफर पे नहीं भेजा। लेकिन बाय बाय, रोने की आवाजें आ रही है मुझे। अनबॉक्सिंग की है, अनबॉक्सिंग के बाद इस तरह का जो है ना हशर हो जाता है घर का। तो अब इन सबको समेटते हैं, खाने की तैयारी करते हैं और जो जो काम है दिन के वो सब कुछ करते हैं। मैं फ्रेश होके नीचे आ गई, मैंने कहा पहले मैं फ्रेश हो जाऊं जरा, उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। शीशे में ना बड़ा मजा आ रहा है अपने आप को पूरा देखने का, बड़ा मजा आ रहा है आते जाते पूरा पूरा शीशा देखने का। और यार ये ब्रेसेस लगवा के ना मेरे होंठ पता नहीं कहाँ आ जाते हैं, मैं लेके कहाँ जाती हूँ इनको। मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रोसीजर पेनफुल है, लेकिन यार ये पेनफुल है, मुझे दर्द हो रही है जब से मैंने लगवाए हैं। 3-4 दिन हो गए हैं और मुझसे कुछ चुबाया नहीं जा रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा, मैं बाइट नहीं कर पा रही। और बाइट तो दूर की बात है, मैं किसी चीज को मुंह में रख के चुबा भी नहीं पा रही। मुझे ना एंड वाले जो दाढ़े हैं ना वहां से खाना पड़ रहा है। यार ये प्रोसीजर मुझे लग रहा था बस ब्रेसेस लगेंगे और कुछ भी नहीं होगा, सब खाऊंगी पीऊंगी ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद कुछ दिनों तक ये सब चीजें नॉर्मल हो जाए। हाँ सब कुछ आ गया, चिकन जो है वो पड़ा हुआ है, इसको अभी रख देते हैं सिरके में भिगो के, क्योंकि सिरके में भिगोए बगैर मैं खाना नहीं बनाती, ठीक है? इसको सिरके में भिगो के रख देते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी सी सब्जी काटती हूँ, आराम आराम से खाना बनाती हूँ। मुझे पसीना आता है और फिर मुझे गुस्सा आता है कि यार मुझसे कोई काम सही नहीं हो रहा, तो इसलिए हम यहाँ से AC चला देते हैं। किचन का दरवाजा मैं खोल दूंगी ताकि ना मुझे थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हवा लगती रहे, मेरा काम आसानी से हो जाए। सफाइयाँ वगैरह घर की रहती हैं, मतलब रिदा जो है मेरे पास जो सारा दिन के लिए होती है उससे मैं ज्यादा काम नहीं करवाती, मतलब इतना ज्यादा काम नहीं करवाती कि वो थक जाए। वो बच्ची है उसमें इतनी जान नहीं है, कर वो सकती है लेकिन मैं उससे इस तरह के ज्यादा मेहनत वाले काम करवाती नहीं। बड़े टाइम से दिल कर रहा था ब्लैक कलर की जायनमाज, मैं ढूंढ रही थी जगह जगह पे लेकिन मुझे कहीं पे ब्लैक कलर की जायनमाज नहीं मिल रही थी। फिर जी मैं खुद लेने गई जायनमाज, मुझे मिली ब्राउन कलर की, मतलब ये इस तरह से प्रिंटेड है पर मुझे प्रिंट में भी जायनमाज नहीं चाहिए थी। और मुझे कुछ ब्लैक मिल रही थी लेकिन वो इतनी मोटी नहीं थी, मुझे इस तरह की चाहिए थी, फोमी फोमी जिसपे नमाज पढ़ने का मजा आ जाए। ये इतनी सॉफ्ट है ना, मतलब नमाज पढ़ते हुए ना घुटने जमीन पे जोर से लगते हैं। मैंने लास्ट टाइम ना पुलाव बनाया था तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्लीज पुलाव की रेसिपी शेयर कर, तो मैंने कहा बताना अलग होता है और दिखाना अलग होता है, तो मैं वेट कर रही थी कि जिस दिन मैं पुलाव बनाऊंगी उस दिन मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगी। तो वैसे तो मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन ये कि घर में खाना बना बना के हाथ जरा खाने पे सेट हो चुका है मेरा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पुलाव किस तरह बना रही। अच्छा ये मैंने प्रेशर कुकर लिया, आप प्रेशर कुकर के बगैर भी बना सकते। इसमें मैंने एक कड़ी पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची एक, लहसुन का ये पूरा, आधा प्याज, छोटा प्याज हो तो वो ले लें, अगर बड़ा है तो आधा ले लें, ठीक है? सूखा धनिया साबुत, सौंफ, काली मिर्च, बस यही चीजें हैं, ये डाल दिया। इसमें मैं डालूंगी चिकन, डालूंगी नमक, पानी डालूंगी और इसको चढ़ा दूंगी। मतलब जो पुलाव के लिए यखनी तैयार होती है ना वो इस तरह से तैयार होगी। ये सारी चीजें हैं, इसमें भी मैंने नमक डालना है, चिकन डालना है, पानी डालना है और इसको मैंने चढ़ा देना, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोग को इसके बाद बताती हूँ। आपकी मर्जी है, आप प्रेशर में करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप वैसे उबालना चाहें तो उबाल सकते हैं, लेकिन प्रेशर में करने के बाद ना चिकन इतना अच्छा गल जाता है, इतना नरम जूसी जूसी हो जाता है, इसलिए मैं प्रेशर में करती हूँ। अब मैं इसको छान लूंगी, चिकन मैं साइड पे कर दूंगी और यखनी का पानी जो है वो मैं साइड पे कर दूंगी, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि अब मैं क्या करूंगी। दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है आलू गोश्त, आलू गोश्त की तैयारी कर रही हूँ, इसका जो है ना मैं आप लोग को कंप्लीट बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया। नेक्स्ट स्टेप ये है, मैंने ऑयल डाला है, प्याज डाले हैं, प्याज को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि मम्मी ने कहा उसको ना थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा रखना है, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन। अब इसके अंदर ना तेजपात के अलावा सब कुछ जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर जाएगा काली मिर्चे और ये दालचीनी का टुकड़ा, जीरा थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, ये सारे डाल। अब इसको मैं करूंगी हल्का सा फ्राई और उसके बाद ये वाला जो चिकन है ना इसको मैं उठा के इसमें डाल दूंगी, ठीक है? और फिर यही अपनी छान के इसमें डालूंगी, चावल डालूंगी, पुलाव तैयार। ओके आ गई समझ।
तो बस ये सिंपल सा तरीका है। अब जो मैंने ऑयल में प्याज अदरक लहसुन डाला है उसमें डाला है जीरा और काली मिर्च साबुत, दालचीनी का टुकड़ा, अगर लौंग है तो लौंग भी डाले, मेरे पास लौंग है नहीं, है शायद मिल नहीं रही मुझे, ठीक है। और इसमें अब ये चिकन के पीसेस जाएंगे, इनको हल्का सा फ्राई करूंगी, ठीक है। यखनी को छानूंगी, इसमें डालूंगी, चावल उठाऊंगी जो भीगे हुए हैं इसमें डालूंगी, उसको पकाऊंगी और पुलाव तैयार। ये थी पुलाव की रेसिपी, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ, मेहमान आने वाले हैं तो खाना ना थोड़ा लेट हो जाएगा। और ये रही पुलाव की फाइनल लुक, बहुत बहुत लजीज किस्म का बनाइए। ये है मेरे पुलाव की फाइनल लुक, साथ आलू गोश्त बनाया हुआ है, साथ रायता। अब खा के बताओ कैसे हो। देखने से ही लग रहा है कि ये कितने मजे का होगा, कितना कितना लजीज होगा। सुबह से मेरी हेल्प करवा रही थी छोटे मोटे कामों में, मैंने कहा इसको खाना डाल के दूंगी क्योंकि इसने मेरे चक्र में नाश्ता भी नहीं किया हुआ। ये मेरा नन्ना मुन्ना वापस आ चुका है, अरे रुक जाओ ना एक मिनट। मेरा नन्ना मुन्ना वापस आ चुका है और उसको ये शीशा इतना अच्छा लग रहा है, सुबह जब जा रही थी तब भी इसके आगे खड़ी थी, वापस आई है तब भी इसके आगे खड़ी। हम हो रहे हैं बोर, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना स्कूटी की गाइड की जाए। एक अरमान की चाबी है इसमें से, ये वाली जो है ये अरमान की चाबी है ये वाली। वैसे तो अरमान ने स्कूटी मेरे लिए ली है, लेकिन मैंने अरमान को कहा कि आप ड्राइव करना, जब तक मैं सीख नहीं लेती मैं पीछे बैठूंगी और फिर हम रात को इधर उधर घुमा करेंगे। तो अभी जो है मैं और अखियां बाहर जा रहे हैं अपनी इस प्यारी सी स्कूटी को लेके। मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मुझे अभी स्कूटी चलानी नहीं आती, मैं सीख रही हूँ, मैंने कल थोड़ी सी सीखी थी, अभी फिर हम इसे निकाल रहे हैं गली में, थोड़ी सी मजीद मैं प्रैक्टिस करूंगी। लेकिन अखियां जो है वो तो हैवी ड्राइवर है, कल किसने मुझे घुमाया इतना ज्यादा, मुझे डर लग रहा था क्योंकि इसने भी काफी दिनों बाद चलाई है, वरना ये अब्बू की बाइक वगैरह चलाती थी, तो इसने मुझे सारा कुछ घुमाया, बड़ा मजा आया इसके साथ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग थी इसकी, बड़ी अच्छी। तो इसमें मुझे ट्रस्ट है, इसलिए हम इसके साथ बैठेंगे अभी और घूम फिर के आएंगे। ये अच्छा, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि ये अक्सा जो भोली भाली सी है बस अपने आप में रहती है, इसको ये सब कुछ आता है, बाइक चलाती है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने चलाई है मुसलसल, लेकिन ये है कि इसको शौक था, इसने सीखी है, अलग अलग इसको जहाँ कहीं अब्बू की बाइक या भाई की बाइक की गली में खड़ी नजर आए लेके निकल जाती है आस पास। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, यार ये तो इतने मजे की चीज है, मैं वेट कर रही हूँ मुझे सही वाली चलानी है और फिर मेरे को बैठो मेरे पीछे ले। आप यहाँ पे खड़े हो ना, आपके पीछे बैठेगी अच्छा और अच्छे के पीछे बैठूंगी मैं, ओके। आयरा आपको पता है ये जो ये जगह है ना, यहाँ पे आप अपनी फीडर रख सकती हो, मोम वाली बॉटल, फीडर, चीजिया। लेकिन इसमें हम नाना अबू के घर नहीं जा सकते, हम इसे सिर्फ आसपास लेके घूमेंगे, चिज्जी लेने जाएंगे इसमें, ओके। और आइसक्रीम खाने जा सकते हैं हम इसमें, ओके। अच्छा, इसका इतने मजे का सीन है कि मेरी तरह अगर आप सोचते हैं आपका चाबी लगाने का दिल नहीं कर रहा तो आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो बस हम लोग स्कूटी लेके जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।